एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीटी यू एंड हियर आई एम डॉली। सो गाइस, आज मेरे पास में है ये स्विस ब्यूटी की फ्लॉलेस फिल्टर एयरब्रश फिनिश फाउंडेशन। सो ये एयरब्रश फिनिश फाउंडेशन है जो कि स्विस ब्यूटी की है। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, ये बहुत अच्छा कवरेज देती है। जो लिया है वो शेड 02 फेयर आइवोरी लिया हुआ है। सो ये जो फाउंडेशन है ये फाउंडेशन को मैं ट्राई करना चाह रही थी, देखना चाह रही थी कि ये फाउंडेशन कैसा कवरेज देती है, क्योंकि इस रेंज में ये जो है एयरब्रश फिनिश फाउंडेशन जो है स्विस ब्यूटी की, आफ्टर शार्वर एंड ट्रिब्यूट के बाद मुझे ये देखने के लिए मिली थी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करूं और बताऊं कि इसका जो कवरेज है वो कैसा है। तो जल्दी से वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि इसका कवरेज कैसा है। इसको पूरा लगा के अप्लाई करके मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइज, बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। एंड आज की वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट करिएगा लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइज, मेरे पास में है ये स्विस ब्यूटी की एयर ब्रश फिनिश फाउंडेशन है। तो अभी मैंने अपने फेस को जल्दी एक प्रैप किया है एंड हाइड्रोलिक एसिड लगाया है, मतलब एक सीरम लगा के अपने स्किन को प्रैप किया है। एंड अब मैं ये जो फाउंडेशन है ये अपने फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ। ये आपको बताने वाली हूँ कि ये फाउंडेशन जो है वो कितना कवरेज देती है और कैसी रहेगी स्किन पर। इतनी क्वांटिटी मैंने ली है एंड देखते हैं कि इसकी जो फिनिश है वो कितनी आती है। आप इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप उससे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो ये रहा प्रोडक्ट और मैंने इसको थोड़ा सा ब्रश से लेकर के अभी अपने फेस पर अप्लाई करना स्टार्ट किया। सो आप इसकी कवरेज देख सकते हैं, इसकी कवरेज बहुत अच्छी आई है। आप ये देखिएगा, इसकी कवरेज देखिए आप, सी मतलब इसने मेरे जितने भी फ्लॉज है ना उसको बहुत अच्छे से कवर किया। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पहले मेरे कितने यहाँ 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 कुछ स्पॉट्स दिख रहे थे, कुछ पिगमेंटेशन भी था मुझे। एंड अब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है, पूरी तरीके से ये क्लियर हो गया है। सी द डिफरेंस। सो मैं इस फाउंडेशन की बात करूँ तो ये जो फाउंडेशन है ये बहुत, तो मैं अगर इस फाउंडेशन की बात करूं तो ये फाउंडेशन जो इसका कवरेज जो है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब इवन दो ये अच्छी अच्छी फाउंडेशंस को भी मात दे देगा ये स्विस ब्यूटी ने ये जो निकाला है अभी। सो मुझे इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो मैं इसको अभी अपने पूरे फेस पर आपको अप्लाई करके बताऊँगी कि ये जो फाउंडेशन है ये अप्लाई करने पर पूरे फेस पर कैसा दिखता है। का यूज़ कर रही हूँ को अप्लाई करने के लिए। ऐसा कवरेज होगा क्योंकि इसने मेरे बहुत सारे फ्लॉज को बहुत अच्छे से कवर किया है। सो डेफिनेटली अगर मुझे लेना हो फाउंडेशन तो मैं स्विस ब्यूटी के जरूर लेना चाहूंगी। सो ये था मेरा आज का रिव्यू जो था। सो अभी मैं आपको एक पूरा कंप्लीट मेकअप करके अपना बताऊंगी कि मेरा मेकअप सेटल कैसे होता है इसके ऊपर। सो गाइज, तो आप देख सकते हैं मेरा कंप्लीट मेकअप लुक, मैंने अपना पूरा मेकअप जो है वो अभी कंप्लीट किया और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी फिनिशिंग आ रही है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही है। मेकअप जो है बहुत अच्छे से सेटल्ड हुआ है इसके ऊपर। एंड कवरेज की बात करूँ तो कवरेज इज ऑसम, कवरेज बहुत अच्छा है। सो मेकअप में मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है, बस कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे सेट किया है, लिपस्टिक एंड काजल का यूज़ किया है। सो आप देख सकते हैं कि इसका कवरेज मुझे बहुत अच्छा पसंद आया है। अगर आप हेवी पार्टी मेकअप लुक चाहते हैं तो इसका क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसके साथ कंसीलर भी और यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके पिगमेंटेशन अच्छे से कवर नहीं हो पा रहे हैं तो, क्योंकि मेनली इसके जो पिगमेंटेशन है वो बहुत अच्छे से कवर हो रहे हैं। हल्का हल्का सा आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, जैसे ये कुछ जो स्पॉट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, अदरवाइज जो है वो मैं इसको 10/9 जरूर देना चाहूंगी। सो गाइज, ये था मेरा आज का रिव्यू जो था स्विस ब्यूटी का जो एयरब्रश फिल्टर फाउंडेशन है, एयरब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन है इसके ऊपर। सो गाइज, आई होप मेरा रिव्यू आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। सो गाइज, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।